हाँ जी, तो जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, कोई नई चीज लर्न करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट होता है वो आप तभी ले पाते हैं जब आप जो चीज आपने सीखी है उससे अगर आप कुछ बनाएं, कुछ नया क्रिएट करें, ठीक है, तभी आप उसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ सीख के बैठ गए तो और उसका कुछ किया नहीं, उसको एप्लीकेशन में नहीं लाया, तो कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। पर बहुत से लोग ऐसे करते हैं, पहली बात तो ज्यादातर लोग कुछ सीखते ही नहीं है, पर जो लोग सीखते भी हैं वो सीखने के बाद रुक जाते हैं, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, ठीक है, उसका कुछ फायदा नहीं होता, सीखना वेस्ट हो जाता है। तो जब आप सीखते हो तो उसके बाद आपका गोल होना चाहिए कि आप उसका एप्लीकेशन बनाए, उससे कुछ नया बनाए, ठीक है। पर ये बहुत मुश्किल पार्ट होता है उसका, कि जब आपको पता नहीं होता कैसे करना है और जब आपने पहले कभी किया नहीं होता, पहली बार करना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको एक अलग माइंडसेट की जरूरत होती है, और वो माइंडसेट है कि आपको अपना गोल रखना है कि आप कुछ बुरा सा बना दो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ अच्छा सा ही बनाओ, पर कुछ बनाओ ये जरूरी है, भले ही वो बुरा हो चाहे अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ बनाने पर फोकस करो, ठीक है। जो भी आपने नई चीज सीखी उससे कुछ नया बनाओ, और जब आप नया बनाते हो उससे कुछ, तो आप उसके क्रिएटिव प्रोसेस में एक बार इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपको समझ आता है कि कैसे चीजें बनती हैं, या कैसे स्किल को या इस न्यू लर्निंग को कैसे यूज किया जाता है। एक बार वो समझ आ जाता है और आप कुछ बना देते हो, एक फिनिश्ड चीज, कुछ भी आप फिनिश्ड चीज बनाओ, भले वो अच्छा हो चाहे बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप बना देते हो तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, उससे आपको अपने आप ही पता लगता है क्या क्या चीज आपने गलत करी, क्या क्या सही करी, तो अगली बार जब आप बनाओगे तो और बेहतर बनाओगे। ऐसे करके आप उस पाथ में जो है वो स्टार्ट हो जाते हो, और फिर आप अच्छी अच्छी चीजें बनाते चले जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सिर्फ अपनी लर्निंग को लेके बैठे ना, और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अच्छा बनाए बुरा बनाए, और बस बनाना जरूरी है। अगर आप कुछ बना देंगे तो इससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपको स्टार्ट करवा देगा उस वाली जर्नी में, तो आप अपनी लर्निंग को जो यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे, और फिर वहां से आप आगे और बेहतरी होते चले जाएंगे। तो बस यही कहना था, थैंक यू सो मच।